बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। देखिए सबसे पहले मैं धोली गांव के सरपंच से शुरुआत करता हूं। सरपंच साहब नमस्कार। जैसे आज ये भीम राव अम्बेडकर जो बाबा साहब हैं, इनकी लगातार हम देखते हैं कि उत्साह होता है लोगों के अंदर और काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हैं, और आपने भी जैसे नीली पगड़ी ये पहन रखी है बाबा साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी को चीफ गेस्ट बुलाया और ये काफ़ी भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करवाना। काफ़ी साल सोच रहे थे कि महेंद्रनगर के अंदर एक थोड़ा बदलाव हो और कोई ईमानदार व्यक्ति आए हमारे बीच में। संदीप एसडीएम आए, बहुत अच्छा उन्होंने एसडीएम के जब भी काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, और हम चाहते हैं महेंद्रनगर का विकास हो। ये महेंद्रनगर वहीं की वहीं पड़ा आज। हम चाहते हैं संदीप जी यहाँ से बड़े मंत्री बने जाए और एक दिन आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हम। और मैं संदीप जी से 10 साल से जुड़े हुआ हूँ और आने वाले चुनाव में संदीप जी को हम मंत्री बना के भेजेंगे 2024 में महेंद्रगढ़ से। और सबसे बड़ी जीत पे अगर होगी तो संदीप जी की होगी हरियाणा। टीम के साथ ही सरपंच ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 132वीं जयंती पर जो है ना एसडीएम साहब बता रहे हैं, तो एसडीएम साहब के हम साथ हैं। अच्छा, जैसे कि आदमी मर जाता है तो फूल माला चढ़ानी तो एक आसान काम है, पर उसकी सेवा करना बहुत कठिन काम है, तो हम इसके साथ हाँ जी। बदल कर जो दल हित किया है ना, ये हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। और ये चीज़ है ना, मैं तो ये कहूँगा समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, दलित काटा के दलित करना बहुत बहुत जरूरी था जी। और ये एक पढ़ा लिखा इंसान ही चीज को सोच सकता है जी। और इनके स्वर्णिम भविष्य के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लास्ट वन की जो जॉब हमने छोड़ी है, इन बच्चों के भविष्य के लिए छोड़ी है, ताकि इनके बच्चों भविष्य गोल्डन बने। ये बच्चे हमारे आने वाले आगे आईएएस ऑफिसर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने और अच्छे पॉलिटिशियंस बने। ये हमारा भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, पूरी जीत है जी। पिछली बार तो यू समझो कि पैसेंजर गाड़ी थी, अब की बार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं। हाँ जी फिट है, हाँ बिल्कुल साथ है, पूरा साथ है जी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव धोली में मौजूद हैं और धोली में आपको पीछे जो होल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 132वीं जयंती समारोह का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पर पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी पहुंचे हैं
और आपने देखा होगा कि लगातार बाबा साहब की जयंती हो या फिर कोई भी बाबा साहब की कोई ऐसी जनसभाएं होती हैं तो वहां पर काफ़ी श्रद्धालु जो उनके जो भक्तगण होते हैं वो लगातार उनके पास आते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था संविधान को, संविधान के रचयिता इनको के नाम से जाना जाता है, और बाकी काफ़ी काम है जो अनगिनत काम जो है बाबा साहब ने किए थे। तो आज ये पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी आए हैं और काफ़ी प्यार धोली गांव के लोगों ने इनको दिया है, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सैनी साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना टाइम निकाला और हमारे पूरे धोली गांव के जितने प्रभुजन हैं और आसपास के गांव से जितने भी प्रभुजन आए हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ और मैं बाबा साहब से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग अपने जितने भी हमारे महेंद्रगढ़वासी हैं और जितने भारतवासी हैं सभी भाईचारे से रहें, उल्लासपूर्ण रहें और सभी शिक्षित बने। देखिए सैनी साहब, बाबा साहब की सबसे बड़ी जो इच्छा थी वो थी कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, बराबर अधिकार मिले, मौलिक अधिकार सबके बराबर हों, बोलने की जो स्पीच की जो आज़ादी है वो सबकी बराबर हो। तो हम भी बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करते हुए हमने आज बोला है कि सभी सब सम्मान और सबका सम्मान, सभी सम्मान है हमारे नागरिक और सभी नागरिकों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। सैनी साहब देखिए, बाबा साहब ने जो हमें दिशा और दशा दिखाई और हमारे भारत देश को जो संविधान दिया और आज़ादी की तरफ जो हमारे देश को ले गए वो बाबा साहब के कारण ही हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज देखिए सैनी साहब, हमने अपनी पब्लिक को बताया कि किस तरह से बाबा साहब के जो समर्पण था उसी कारण हम आज यहाँ पे खुले माहौल में बैठे हुए हैं। हमने सैनी साहब एक अनाउंसमेंट की थी पहले भी, अपने पूरे भारतवर्ष में या लगा लीजिए पूरे विश्व में भी सबसे बड़ा बाबा साहब के नाम से ई लाइब्रेरी प्लस लाइब्रेरी और प्लस फोटो गैलरी, यानी कि बाबा साहब की रचित और बाबा साहब के ऊपर लिखी हुई जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब के सब अपने महेंद्रगढ़ में एक पूरे सेंटर में उपलब्ध होंगी और जनरल बुक्स उपलब्ध होंगी, साथ साथ बाबा साहब की जितनी भी फोटो गैलरी, जितनी भी फोटोज़ हैं पूरे विश्व में वो सारी की सारी फोटोज़ भी वहाँ पर उपलब्ध होंगी। सैनी साहब, आज हमने धौली गाँव में एक बहुत बड़ी घोषणा की है, हमारी जो पर्वत श्रृंखला हैं जो सबसे ऊँची श्रृंखला होगी यहाँ पर पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, सबसे ऊंची श्रृंखला पे सबसे भव्य बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे पराने के बाद स्थापित की जाएगी। सर लगातार जैसे हम बात करें, जैसे बाबा साहब के जितने भी फैन फॉलोअर्स होते हैं या फिर एससी एसटी के जो भी सदस्य होते हैं लगातार उनको, जैसे आपने कहा था कि दल हित और एक दलित बोला था तो आपने दल हित का नाम उनको दिया, तो ये भी एक यूनिक चीज़ें हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना सर, जैसे इन लोगों को, क्योंकि भगवान ने तो इंसान ही बना के भेजे थे, ये जात पात तो बाद में बटी है, लेकिन ये जो आपने यूनिक चीज़ें करी है ना, ऐसा शायद कोई लगता नहीं है कि भारत में ऐसा कोई सोचा होगा, तो इसके बारे में सर क्या? सैनी साहब देखिए, लगातार जो पहले वर्ड चलता आया था वो वर्ड बिल्कुल ही स्टॉप करना है, और ये जो वर्ड है दल हित, यानी कि जिस दल का भी चाहें उसका हित करना चाहते हैं, हर वर्ग का हित करना चाहते हैं, वो होते हैं दल हित। तो वो हमने वर्ड यूज़ किया और सबको बड़ा पसंद आया ये शब्द कि दल हित का मतलब हम सब दल बराबर हैं और हम सब दल एक दूसरे का हित करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। देखिए सैनी साहब, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं जब कनीना में एसडीएम था तो वहाँ पर एक बहुत भव्य बाबा साहब का जो चौक है वो हमने डिज़ाइन किया और बाबा साहब की जो वहाँ पर खड़ा होने का जो स्टैंड था वो भी हमने बड़ा सुंदर बनाया और बाबा साहब की जो पोइम थी वो हमने वहाँ पे स्थापित करी। तो पूरे अपने हरियाणा में सबसे सुंदर जो चौक है वो अपना कनीना में बाबा साहब जी के नाम से जो हमने रेनोवेट किया उसको हम मानते हैं और सब हमने हमारे लोगों ने देखा भी हुआ उस चौक को और बहुत ही भव्य चौक है। और देखिए मैं दोबारा से अपने पूरे धौली गाँव को और आसपास के गाँव को और अपने पूरे महेंद्रगढ़ पूरे हरियाणा को सभी को बाबा साहब की 132 जयंती पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं आप सभी से इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब लोग बाबा साहब के चरणों कर्म पे चलें और उनके बातों को अनुसरण करें। थैंक यू सर। तो देखिए आज पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी धोली गांव में मौजूद हैं और धोली गांव में 132वां जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जयंती का समारोह यहाँ पर आयोजन किया गया और यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आए थे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के साथ। काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम एक एक करके मिलवाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए सबसे पहले मैं धोली गांव के सरपंच से शुरुआत करता हूं। सरपंच साहब नमस्कार। जैसे आज ये भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब हैं इनकी लगातार हम देखते हैं कि उत्साह होता है लोगों के अंदर और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपने भी जैसे नीली पगड़ी ये पहन रखी है बाबा साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी को चीफ गेस्ट बुलाया और ये काफ़ी भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करवाना। सबसे पहले श्रेणी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप अपने
इस मीडिया के माध्यम से जो सुचारू रूप से हर खबर है वो लोगों के सामने रखते हैं। हमने यहाँ 132वां जन्मदिन आज बाबा साहब का मनाया है, इसमें हमारे चीफ गेस्ट के रूप में पूर्व SDM श्री संदीप जी आए हैं। हम उनका सब पूरे ग्रामवासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। संदीप जी हैं वो बहुत ही नेक और स्वच्छ छवि के इंसान हैं और आने वाले समय में हमें एक महेंद्रगढ़ की भी नई रूपरेखा और एक महेंद्रगढ़ में अच्छा बदलाव लाने के लिए सुनहरा मौका है 2024। चलो देखिए सरपंच साहब, लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरपंचों का इनके साथ आना और इनको समर्थन देना, क्योंकि ये एक ऐसे एक क्रांति सी आ गई है ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर सरपंच आ जाता है या एक्स सरपंच आता है या हालिया सरपंच आता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक तरफा माहौल बन चुका है, क्या मानते हैं आप? ये सब इनकी एबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो इनका एक लोगों के प्रति जो प्यार है, उमंग है, जो एक आपस में कोई भी भेदभाव नहीं है, वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है और इनकी नीति से ही सभी लोग इनसे दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। बोला सरपंच साहब, जैसे हम बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, अगर कोई दबाव प्रेशर आया, क्योंकि आपको पता है कि हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव में, अगर आप पे अगर कोई दबाव प्रेशर आया, क्योंकि आपके साथ काफ़ी जनता जुड़ी होती है और काफ़ी जो मजबूत पोजीशन होती है सरपंच की होती है गांव में, तो कोई दबाव प्रेशर आएगा कैसे हैंडल करें? देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर महेंद्रगढ़ के अंदर एक बदलाव देखना है तो 2024 के अंदर जनता खुद ही देखेगी। और ये तो साफ दिख रहा है, आपको भी पता है क्या है। आपके साथ क्या माने कि जनता भी संदीप जी को समर्थन कर चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन पूरा। देखिए लगातार हम काफी हमारे चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में रियल रिपोर्ट क्या है, और काफी लोग हैं हमारे साथ बने हुए हैं, तो युवा साथी हैं उनसे मैं थोड़ा मिलवा देता हूँ। आदि सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर है और मैं संदीप जी से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आने वाले चुनाव में संदीप जी को हम मंत्री बना के भेजेंगे 2024 में महेंद्रगढ़ से, और सबसे बड़ी जीत पे अगर होगी तो संदीप जी की होगी हरियाणा। ये मतलब यूनिक चीजें होंगी कि हरियाणा में ऐसा रिकॉर्ड बनेगा, शायद कभी नहीं बना। बिल्कुल बनेगा जी, क्यों नहीं बनेगा, जब हम साथ होंगे, और क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। बिल्कुल जी, संदीप जी के साथ है हम। संदीप जी के साथ है, सभी साथ है। सर हम तो यही काफी सालों सोच रहे थे कि महेंद्रगढ़ के अंदर एक थोड़ा बदलाव हो और कोई ईमानदार व्यक्ति आए हमारे बीच में। संदीप SDM आए, बहुत अच्छा उन्होंने SDM थे जब भी काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, और हम चाहते हैं महेंद्रगढ़ का विकास हो। ये महेंद्रगढ़ वहीं की वहीं पड़ा आज भी। हम चाहते हैं संदीप जी यहाँ से बड़े मंत्री बने जाए और एक दिन आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इनकी ईमानदारी, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, ईमानदारी से काम किया। मैं तो इनके माता पिता को धन्यवाद करता हूँ कि इनको उन्होंने ऐसे ईमानदार इंसान को जन्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी के साथ है। हाँ बिल्कुल, संदीप सर आए, हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। युवा साथी कैसे रहेंगे? साथ रहेंगे, संदीप सर के साथ। बिल्कुल साथ है। राहुल जी क्या कहेंगे आप? सभी उसी के साथ है। संदीप जी अच्छे लगे आपको? हाँ अच्छे लगे। हाँ ये हम तो सदा ही कर रहे हैं। अब की बार रिकॉर्ड बनाएंगे? बनाएंगे, कोशिश तो पूरी रहा। कोशिश नहीं बनाना है। चलो जी नमस्कार। राम राम। क्या कहेंगे, संदीप जी को सुना है आज, कैसा समर्थन, कैसा आशीर्वाद दे दिया? बढ़िया आशीर्वाद तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है, आज से नया नहीं, बहुत दिन से आशीर्वाद पहले से दे रखा है। हाँ तो आपकी बार बता रहे हैं कि ये जीत करके पूरा चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे आप? बिल्कुल, पूरा साथ है गांव, एक से थोड़ी हो से सारी जनता मिल के, पूरा गांव साथ है आपके लगता है? हाँ गांव पूरा साथ है जी, पूरा गांव साथ है। संदीप जी साहब, हमारे देश में उन्नति और शिक्षा की जरूरत है और हमें विश्वास है संदीप SDM उसको पूरा करेंगे। उसको पूरा करेगा जो विश्वास है आपको? विश्वास है पक्का। अभी तो 20 साल से संदीप SDM है हमारे, मैं पीछे का कई साल का बन गया। कार्ड भी है आपके पास, ये शपथ ग्रहण जो समारोह संदीप SDM बनाते हैं वो भी आपके साथ है? हाँ सर, 20 साल से जुड़े हैं हमारे साथ।
पिछली योजना में इनके साथ बार तो कह रहे रिकॉर्ड बना देंगे महेंद्रगढ़ की जनता। हमारे पूरे गांव में हमें जितने भी हमारे सरपंच साहब से बोल दिया हमें, हम संदीप भाई एसडीएम को बोल पूरा साथ है। ठीक है, ताऊ जी और मौजूद है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे संदीप एसडीएम जी को सुना है आपने, क्या बताना? बस साहब आपकी दया, आप आगे हमारे यहाँ गरीब मोहल्ला के तो सारा काम ठीक है, सारा काम बढ़िया है। एसडीएम का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके? बिल्कुल, दिल से। हम तो पिछली बार सुनो, पिछली बार पगड़ी पहनवाई मैंने और उसके गाड़ी में बैठा के लिए गए मेरे को एसडीएम साहब। दुगना जोश हो गया? ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल पूरा, हाँ जी बिल्कुल साथ है। देखिए यहाँ धोली में काफी महिलाएं, ताई चाची जो भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कहना चाहेंगे संदीप एसडीएम के साथ है? साथ देंगे जी, दे बच्चों को पर आस है, साथ संदीप एसडीएम भी बन गए तो हमारे बच्चे भी बन गए, बच्चे बन गए, आस है कि भी बच्चों को कुछ नौकरी वोकरी करवाएंगे? हाँ जी नौकरी, हाँ जी आपका साथ ही पूरे साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद दे दिया सभी ने? हाँ दे दिया, आपने आशीर्वाद दे दिया जी? संदीप एसडीएम मतलब ऐसे लायक है जी, बन सकते हैं? लायक है जी, बन चुके हैं, बन सकते हैं। हाँ बन सकते हैं, बड़े के व्यक्ति शायद नहीं आएंगे, पहले नहीं आए जी, अभी बाबा साहब का यहाँ पे जयंती भी मनाई है। हाँ मनाई है, बहुत सही है, सही चुना है। हाँ जी संदीप जी को चुना है, इन्हीं को जाएंगे, इसको वोट गिराएंगे, इसको हाँ इसी निकाल आएगा और गिराएंगे, औरों का भी वोट गिराएंगे। हाँ और बाकी जो जनता रह रही है उसका गिराएंगे, मतलब क्रांति आएगी है तो आपकी? हाँ क्रांति लानी पड़ेगी, क्या करेगा, तंग आगे पानी, इधर पानी नहीं है पीने के लिए, वो कुछ खाने के लिए तो बहुत दूर लगता है, पानी, अरे पानी भी नहीं है बाबा, पानी नहीं है इधर, अभी वो एक साल से भी वो चल रहा है, कोई काम वो रुक गया। संदीप जी पास है पूरी आपकी बार? हाँ तो पूरी है, कह दो पूरी आस। देखिए पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी है जो कमेटी के सदस्य हैं यहाँ के धोली गांव के, उनको एक स्मृति चिन्ह जो है भेंट किया जा रहा है, और बाबा साहब भारत रत्न जो है भीमराव अंबेडकर की जो जीवनी के बारे में इनमें जो है सारा दर्शाया गया है। आज सभी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, 132वीं जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया है बाबा साहब का। देखिए बाबा साहब का जो चित्र है वो पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को एज ए चीफ गेस्ट के रूप में संदीप जी यहां पर पहुंचे थे, उनको एक फोटो चित्र जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया जा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम यहां धोली गांव में, धोली गांव के लोगों ने किया है। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, 132वीं जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया है। देखिए धोली गांव के जो सरपंच है अमित कुमार जी, उनको भी जैसे फोटो जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो है चित्र भेंट किया जा रहा है। ये बहुत ही सुनहरा अवसर, सुनहरा पल जो है आज यहां महेंद्रगढ़ जिले में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर जो है इनकी जयंती का आयोजन किया जा रहा है। देखिए कहां मौजूद लोग थे, उनको सभी को बाबा साहब का जो फोटो चित्र है वो भेंट किया जा रहा है। संस्था में दान दिया भेंट किए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की जय, तबियत बोलो बाबा साहेब की जय। देखिए सभी बच्चे जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के साथ आपको खड़े दिखाई दे रहेंगे, क्योंकि लगातार जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी बच्चों से काफी प्यार करते हैं। हम धोली गांव में यहां पर मौजूद है और बहुत ही जबरदस्त बाबा साहब का जो कार्यक्रम जयंती का मनाया गया यहां पर जो देख सकते हैं आप, केक भी काटा गया यहां पर, और एक यूनिक चीजें आपको दिखाई दी होंगी यहाँ पे, अलग अलग चीजें जो है घोषणा भी की गई। तो प्लीज जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ, नमस्कार।